बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड में एक 65 साल की महिला ने 14 महीने में 8 बच्चों तो दो दूसरी महिला ने 9 महीने में 5 बच्चों को जन्म दिया। जी हां, सरकारी योजना में एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। विज्ञान के तौर पर देखा जाए तो ये असंभव है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आड़ में कुछ लोगों ने इसे सच कर दिखाया है। ये सारा घोटाला सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि को हड़पने के लिए किया गया है। दरअसल सरकारी राशि हड़पने वाले बिचौलियों ने जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जमा किए वो चौंकाने वाले हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 65 साल लीला देवी ने महज 14 महीने में 8 बच्चों को जन्म दिया। मिशन के अधिकारी और बैंक के साधारण दस्तावेज पर बुजुर्ग महिला लीला को सरकार की तरह से मिलने वाले पैसे भी भेजते रहे, जिसके बाद लीला देवी ने अकाउंट से पैसे भी निकाले। जबकि इस घोटाले में जिन महिलाओं के नाम, पता और अकाउंट नंबर का इस्तेमाल किया गया है, उन महिलाओं को इसकी जानकारी ही नहीं। इन महिलाओं से इसके बारे में बात की गई तो वो घबरा गईं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सालों से उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिसके बाद मामले में FIR दर्ज की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने अनियमितताओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि एक विस्तृत जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ डेस्क।